आपको पता है राइडिंग स्किल में बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं और राइडिंग स्किल में मिस्टेक करने का एक बहुत ही बड़ा रीजन है और वो रीजन है पंक्चुएशन

अ पॉइंट इंसर्टेड टू मार्क पॉज पॉजेस एंड स्टॉप्स इन अ सेंटेंस एक ऐसा मार्क जो कि पॉइंट इंसर्टेड टू मार्क जिसको इंसर्ट किया जाता है किसके लिए मार्क पॉजेस एंड स्टॉप्स के लिए मतलब पॉजेस और स्टॉप्स के लिए यूज करते हैं हम इसको एंड हाउर सम पंक्चुएशन मार्क्स इन अ सेंटेंस डू नॉट फंक्शन ओनली एज अ पॉज इंडिकेटर्स और ये जरूरी नहीं है भाई कि ये पॉज इंडिकेटर्स की तरह ही यूज होता है पंक्चुएशन इनके अदर यूजेस भी हैं दे फॉलो सर्टेन एक्सप्रेशन डिनोटिंग इमोशन लाइक दोज ऑफ सरप्राइज एक्साइटमेंट जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया है साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन ये ये जो easy है, uh, sorry, ये जो इजी है है सॉरी एक्सप्लेन का मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेटिया अब ये एग्जाम्पली ग्रेटिया एग्जैक्टली होता क्या है तो भाई इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है ईजी आईजी इसके बाद में ईटीसी है ना ये क्या होता है मेरे शॉर्ट वीडियोस uh, की जो प्लेलिस्ट है उसको विजिट करना उसमें मिल जाएगा आपको

जो कि कुछ इस तरीके से होता है कहां आपको सेमी कॉलन लगाना अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज सेमी कॉलन में और कॉलन में बट आज डाउट दूर करने वाला हूं कि कहां आपको सेमी कॉलम लगाना है और कहां आपको कॉलन लगाना है तो भाई आई होप कि होपक एक्जैक्टली exactly पता चला होगा कि पंक्चुएशन है क्या ये किस तरीके से फंक्शन करता है अब मैं आपको बताने वाला हूं डिटेल में कि फुल स्टॉप कहां लगाना है आपको और आपको कॉमा कहां लगाना है और इनको सबको डिटेल यूज कैसे करना तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं द फर्स्ट फुल है करते हैं तो भाई इट इज यूज इंडिकेट बिग पॉज एंड कह सकते स्टेटमेंट आपने दिया पूरी तरह खत्म हो गया फिनिश हो गया तो उसके लिए आप लोग बड़ा पॉज ये देखो बिग पॉज सिंपल पॉज आ रहा तो आपको लगाता है लेकिन बड़ा पॉज आ रहा है बात पूरी खत्म ही हो गई वहां पर तो वहां आपको यूज फुल स्टॉप करना है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी यूज इट दैट इज अस्टेटमेंट डिक्लेरेटिव आर इंपेरेटिव और याद रखना है अगर सेंटेंसेज आपका डिक्लेरेटिव है डिक्लेरेटिव हम अजर्टिवी कहते हैं जैसे आपने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट टू डू माई वर्क आपने कहा मैं मार्केट जा रहा हूं अपना काम पूरा करने के लिए तो यहां पर यह बात आपने पूरी तरह खत्म कर दी लग गया। तो देना है एग्जाम्पल नंबर सेकंड ये दिया है और एग्जाम्पल नंबर थर्ड ये दिया है यहां पर आपको तीन एग्जाम्पल्स दिए पहले एग्जाम्पल की बात करता हूं वी आर लिविंग फॉर मुंबई ऑन थर्सडे राइट हम लोग थर्सडे को मुंबई के लिए निकल रहे हैं अक्टूबर फिफ्टींथ जो कि है अक्टूबर को। If you are interested, अगर आप हैं, नहीं लगा भाई है, लगेगा। you can join us. आप हमें कर सकते हैं। पर मैंने नहीं लगाया आपको लगाना है ना? को बोलते नहीं है लगाते हैं सिर्फ राइटिंग में ही यूज करना है, नहीं तो पता लगे आप स्पीकिंग करते वक्त इफ यू आर इंटरेस्टेड कॉमा यू कैन ज्वाइन ओनली रिटन ओके इफ यू आर इंटरेस्टेड हियर यू हैव टू अप्लाई कॉमा लाइक दैट इतना बड़ा कॉमा नहीं लगाना कॉमा सिंपली एक ऐसा मार्क लगता है यू कैन ज्वाइन अस अब हमें ज्वाइन कर सकते हो द बस विल रीच दिस प्लेस एट अबाउट टेन ए एम इस प्लेस पर जो बस है वो कब आएगी लगभग सुबह के सात बजे अबाउट सेवन पी एम अब सेकंड देखिए तो यहां पर आपने फुल स्टॉप लगाया ठीक है यहां पर आपने ये फुल स्टॉप लगाया एक फुल स्टॉप आपने यहां पर लगाया तो ये दोनों फुल स्टॉप किसको शो ऑफ कर रहे हैं ये दोनों फुल स्टॉप शो ऑप कर रहे हैं कि भाई ये आपके स्टेटमेंट यहां पर खत्म हो गए अच्छा अगला एग्जाम्पल है मिस्टर चौहान इज माई ओल्ड फ्रेंड ठीक है हिलिप्स इन पुणे मिस्टर चौहान जो है वो मेरे पुराने फ्रेंड है और वो कहां रहते हैं पुणे में रहते तो यह खत्म हो गया स्टेटमेंट और ये नए

सेंटेंस ये सेंटेंस के अंदर छोटे छोटे जो पॉज आते हैं उसके लिए यूज होता है आवश्यकता और परिस्थितियां मेड मी अ टीचर अ क्लर्क एंड अ कार्पेंटर कोई व्यक्ति था मान लो वो बेचारा टीचर भी बन गया परिस्थितियों में एक क्लर्क भी बन गया और जब कोई काम नहीं मिला तो कारपेंटर भी बन गया तो यहां पर आप देखो ये कॉमा लगा हुआ यहां लगा है यहां कॉमा लगाया आपने राइट तो ये कॉमा किस खुशी में आपने यूज किया है भाई यहां पर आप बता रहे हैं पॉज ले रहे हैं कि भाई मुझे टीचर बना एक क्लर्क बना और एक कार्पेंटर दूसरी बात आप याद रखें कि जब एंड को लगा देते हैं आप तो तब कॉमा नहीं लगते जैसे आप यहां पर कॉमा लगा दे या फिर यहां पर आप कॉमा लगा दे तो इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग जब आप एंड लगा देते हैं तो एंड के बाद में आपको कॉमा नहीं लगाना होता है दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एवरी वन दैट यू शुड नो तो हमने सीखा है कि कॉमा कहा यूज होता है तो कॉमा जो होते हैं जो छोटे छु, छोटे शॉर्टेस्ट पॉज होते हैं उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं इसके बाद देखो यहां लिखा है कि रवि इज अ ब्रिलियंट बॉय ऑफ द क्लास इज एपसेंट टुडे अब देखो ये इतना जो है स्टेटमेंट ब्रिलियंट बॉय ऑफ द क्लास है ना ये जो आपने स्टेटमेंट यहां पर दिया रविहार तो लड़का है, है? तो यह है किसके बारे में रवि के बारे में तो यहां कौमा लगाया ऐसे देखो आपने एक स्टेटमेंट दिया द बॉय कौमा हु इज टॉकिंग टू यू लड़का जो आपसे बात कर रहा है ज माई ब्रदर वो कौन है भाई मेरा भाई है तो यहां पर देखो आपने यहां भी बात कर रहा है दो से ज्यादा एक साथ जोड़ता है तो उन सेंटें को आप कॉमा से भी जोड़ सकते हैं देखो कैसे स्टडीज पढ़ाई करती है डजर वर्क उसका काम करती है इवनिंग और शाम में पांच बजे चली जाती है तो एक सेंटेंस है शिकम्स दूसरा है शी स्टडीज तीसरा है शी डज डर वर्क चौथा है शी गोज एट फाइव ओ क्लॉक इन इवनिंग को जोड़ने का काम किसने किया है एंड ने और एंड से पहले जो लगे हैं वो लगे है। कॉमा लास्ट वाले में हमने एंड लगाया है आप देख सकते हैं बाकी सबके पहले हम लोगों ने क्या लगाया कॉमा आप अगर ऐसा बोलेंगे शी कम्स एंड स्टडीज एंड डज हर वर्क एंड ऐसा बार बार एंड बोलेंगे गलत हो जाएगा इसलिए आपको क्या लगाना होगा स्टूडेंट कॉमा लगाना होगा तो कॉमा आई होप कि आप समझ रहे हो कैसे यूज करना है आपको तो ये भाई यूज होता है शॉर्टेस्ट पॉज के लिए मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट आपका खत्म ही हो गया पूरी तरह एक नया सेंटेंस शुरू हो गया जी नहीं वहां आप इसको यूज नहीं करते हैं। तो आप लोगों ने अभी फुल स्टॉप देखा कॉमा देखा अब मैं आपको आगे ले चलता नेक्स्ट है साइन ऑफ इंटरोगेशन भाई इसको कैसे करता है? तो तो है मुझे लगता है कि सभी को पता होगा कि इसको यूज कहां करता है प्रश्न पूछे आप देखो स्पेशली उसकी डेफिनेशन लिखा है कि इंटरोगेशन मार्क टर्मिनेट्स डायरेक्ट क्वेश्चन फुल स्टॉप के बदले में यह लगते हैं क्या करने के लिए भाई एक क्वेश्चन को डायरेक्ट टर्मिनेट करने के लिए देखो कैसे

जो कि है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और वो है भाई आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को भी बताने की जरूरत नहीं आई थिंक आप लोग समझ जाएंगे बहुत ज्यादा इजी है है ये भी देखिए इसको हम लोग इंटरजेक्शन फ्रेजेस ना और सेंटेंसेस सडन हैस्ट ऑफ इमोशंस आर डिजायर टेक दिस साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन मतलब जहां पर भी आप कोई इंटरजेक्शन के तौर पर कहीं कोई फ्रेजेस में कहीं कोई सेंटेंस में अचानक कोई एक्सप्रेशन को यूज कर रहे हो वॉट शी एज गॉन क्या वो चली गई तो ये देखो आपने वॉट बोला वॉट के बाद में ये मार्क लगाया आपने है ना तो ये आपका एक ऐसा कह सकते हैं पंक्चुएशन है जो कि किसको शो ऑप कर रहा है एक्सक्लेमेशन को आश्चर्य को व्यक्त करो वॉट शी हैज गॉन ऐसे देखो और भी लिखा है इसमें चार्ज याल द कमांडर कमांडर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा चार्ज ठीक है जो सोल्जर्स हैं उनको कहा चार्ज ले लो इस तरीके से माई गॉड अ क्या लिखा है मैग्निफिशेंट शॉट मान लो किसी प्लेयर ने बहुत ही शानदार शॉट मारा तो क्या बोलोगे गॉड तो ये देखो ये आपका मार्क लगा है इसी तरीके से आउच इट you know, पेन होता है दर्द होता है तो हम बोलते हैं इस तरीके से तो लाइक like, इंग्लिश में उसके लिए होता है ये आपका इंटरजेक्शन आउच ये इंटरजेक्शन आप लोग याद करें रखेंगे और शायद मैंने एक वीडियो इंटरजेक्शन पर बनाया है अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो प्लेलिस्ट है उसको विजिट करना उसमें मिल जाएगा ये तो भाई ये था आपका साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं नेक्स्ट पर जो कि है सेमी कॉलन अब भाई ये जो है बड़ी दिक्कत मैंने स्टूडेंट्स को देखा है इसको देखकर स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होते हैं तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा समझे इसको कैसे यूज करना है आपको सो दिस पंक्चुएशन साइन अ सेपरेशन

दिस प्लेन टुक ऑफ एंड रोज टूवर्ड्स द हुआ टेक ऑफ हुआ एंड रोज टूवर्ड्स द और किसकी ओर बढ़ा भाई स्काय की ओर आकाश की ओर बढ़ गया है ना तो ये राइस की सेकंड फॉर्म है ना राइस की सेकंड फॉर्म है रोज और ये टेक ऑफ की सेकंड फॉर्म है टुक ऑफ सिंपल पास में लिखा है अब ये लगा है आपका भाई यहां पर सेमी कॉलन क्यों लगाया है उसको समझना आगे इट सडनली एक्सप्लॉइडेड इनटू अ बॉल ऑफ फ्लेम ये अचानक जो है बॉल ऑफ फ्लेम में क्या हो गया एक्सप्लॉडेड हो गया मतलब उसमें आग लग गई वो प्लेन जो क्रेश हो गया तो भाई अचानक ये चीज हो गई तो यहां पर देखो आपने बोला बोलने के बाद में आपने कॉमा की तरह काम नहीं किया यहां पर आपने कॉलन मतलब कि आपने जो सेपरेशन बताई है वो सेपरेशन स्टॉप इतनी नहीं बताई है आपने सेपरेशन को कम बताया है उतना नहीं बता पाया अगर पूरी तरह आप बताते तो फिर यहां पर आप फुल स्टॉप लगा देते लेकिन उतनी सेपरेशन नहीं है आपने अचानक सडनली कुछ सिचुएशन को बदल के रख दिया सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया तो यहां पर आपने क्या कर दिया है सेमी लगा दिया दूसरा एग्जाम्पल देखो आपको फिर समझ में आएगा मिस्टर शर्मा एंटर द रूम विथ हिज असिस्टेंट मिस्टर शर्मा अपने असिस्टेंट के साथ में रूम में अंदर आए आई टुक माई बैग एंड लेफ्ट द रूम तो मैंने क्या किया अपना बैग उठाया और वहां से निकल लिया तो यहां पर आपने ये जो सेपरेशन बताई है पूरी तरह सेपरेशन नहीं है पूरी तरह से आप सेंटेंस को अलग एक नया सेंटेंस नहीं बना रहे आप इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन एक रूल को फॉलो करते हैं दैट इज वाई ये आपका सेमी कॉलन को अप्लाई कर रहा है ऐसे देखो अगला आई वॉज कॉन्फिडेंट मैं कॉन्फिडेंट था द इंटरव्यू वॉज अबाउट टू स्टार्ट इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला था मैं कॉन्फिडेंट था इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला था सिचुएशन मतलब था, तो अपने आप एक बदल रही है सिचुएशन पहले कुछ हो रहा था अचानक सिचुएशन कुछ और होगी है ना तो यहाँ पर आप सेपरेशन तो बता रहे हो लेकिन उतनी नहीं बता रहे हो जितनी फुल स्टॉप में बताते हो तो ये सिचुएशन जाती है आपके सेमी कॉलन में अब इसी तरीके से आपका वॉक करता है कॉलन का तो कॉलन कहाँ यूज होता है ये थोड़ा सा समझना है दोनों के बीच में मैंने डिफरेंस में बताऊंगा आप सुनना समझ में आ जाएगा आपको द कॉलन रिप्रेजेंट अ बिगर पॉज एक बड़े पॉज के लिए देन दैट एक्सप्रेस बाय द सेमी कॉलन जो कि एक्सप्रेस किसके द्वारा किया जाता है सेमी कॉलन के द्वारा किया जाता है मतलब सेमी से बड़ी जब बात हो जाती है आपने मतलब एक ऐसा पॉज डिफरेंस ये आ गया आपका

और फिर रुक गए एक पॉज ले लिए और उसके बाद फिर आपने बोलना स्टार्ट किया तो एक बड़ा पॉज हो जाता है ये ये देखो रिप्रेजेंट बिगर पॉज राइट दिस ईयर आई एम टेकिंग द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स अब साल में क्या लेने वाला हूं ये फॉलोइंग सब्जेक्ट्स लेने वाला हूं यहां पर आपने एक बड़ा सा पॉज ले लिया तो दो फुल स्टॉप लगा दिया वो सब्जेक्ट कौन कौन से है ज्योग्राफी है हिस्ट्री है और बायोलॉजी राइट right? ऐसे देखो वी हैव अ गुड न्यूज फॉर यू अब रुक गए आप है ना आपने बोलते वक्त रुक गया वी हैव गुड न्यूज फॉर यू है पोज ले लिया एक बड़ा ले लिया अब बोला आपने यू हैव बीन ट्रांसफर टू योर होम स्टेट आपको कहां ट्रांसफर कर दिया आपके होम स्टेट आप किसी दूसरे स्टेट में काम कर रहे थे आपको किसी आपके होम स्टेट में ट्रांसफर मिल गया तो भाई ये आपके लिए गुड न्यूज है ऐसे देखियो शेक्सपियर शेक्सपियर कहते हैं क्या कहते हैं भाई राइटनेस इज ऑल परफेक्शन इज ऑल राइट right. जो कुछ भी हो राइपनेस है भाई परफेक्शन है वो जिसमें आ गई पूर्णता वो सब कुछ उसने हासिल कर लिया तो भाई ये था आपका कॉलन राइट right. अब आप देखा आपने सेमी कॉलन और कॉलन में क्या डिफरेंस है कॉलन मतलब हो गया जहां पर आपने एक बिगर पॉज ले लिया है आपने एक बहुत बड़ा पॉज ले लिया पूरी तरह रुक गए हो लेकिन बात आगे बढ़ाओगे आप ऐसा नहीं कि वहां फुल स्टॉप लग गया उसके बाद आप आगे बोलोगे तो वो सिचुएशन आपकी जाती है कॉलन में लेकिन सेमी कॉलन में ऐसा नहीं ठीक है कॉलन में कॉमा से ज्यादा पॉज आप लेते हैं मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो छोटा पॉज कॉमा हो गया उससे बड़ा कॉलन हो गया और सबसे बड़ा पॉज जो हो गया वो आपका कॉलन हो गया इस तरीके से चलता है राइट सो उम्मीद करता हूं डी स्टूडेंट्स में सा बताया कि कहां आपको मार्क लगाना, कहां आपको और कहां आपको सेमी कॉलन यूज करना है आई होप सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हुई हो हु। कमेंट करके आप मुझे बताया वीडियो कैसे लगा और इस वीडियो को एक दिन के लिए स्टेटस पर रख ले ताकि जितने भी स्टूडेंट्स जो राइटिंग स्किल को इंप्रूव करना चाहते है जिनकी इच्छा की सर राइटिंग स्किल में बड़ी दिक्कत आती है तो भाई वो भी स्टूडेंट भी इस वीडियो का फायदा ले सके चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में। तब तक लड़ा दे बाई है गुड डे